सो है व्हाट्सअप गाइस, के सबसे भी लोग आए होप आप से भी लोग अच्छे हो रहेंगे अच्छे रहना गाइस। और आज हम बात करने वाले फ्री फायर अनबैन के बारे में, और उसी के कारण कुछ लीक्स मेरे को पता चली है। तो चलो इस वीडियो को मैं बताने वाला हूँ कि फ्री फायर बैन होने वाली है कि नहीं होने वाली। तो वीडियो को अंत तक देखना, और चैनल पर जो जो बंदे नए आ रहे हो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, अभी रीच की बहुत ज़रूरत है। और जो जो बंदे नए आ रहे हो प्लीज़ शेयर भी कर देना एक मोटिवेशन के लिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी कल रात से मैं न्यूज़ ढूंढ रहा था कि क्या होने वाला है फ्री फायर फ्यूचर के बारे में, क्या क्या सब कुछ मैंने ढूंढा है। तो चलो मैं वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो में चैनल पर नहीं आ रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और एक मोटिवेशन के लिए लाइक दे देना। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, आप देख सकते हो पहले इंस्टाग्राम का आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, वहाँ पे भी कुछ अभी तक मेंशन किया नहीं इंडियन सर्वर के बारे में कि फ्री फायर इंडियन सर्वर के अंदर बैन हो चुकी है। तो वो भी आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। एंड दूसरा निकल के आ रहा है ट्विटर का, तो ट्विटर में भी अभी तक कुछ ट्वीट नहीं किया फ्री फायर वालों ने, मेंशन नहीं किया कुछ भी ऐसा। एंड तीसरा निकल कर अपना प्ले स्टोर, तो प्ले स्टोर के बारे में तो अपन सभी को दो तीन दिन से पता है कि प्ले स्टोर के अंदर अपनी फ्री फायर दिख नहीं रही, बट फ्री फायर मैक्स दिख रही है। तो उसका कारण क्या है, तो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपने सभी स्क्रीनशॉट पहले देख लिए, तो एक अपना क्लियर हो गया पॉइंट कि फ्री फायर बैन तो होने वाली नहीं है, और हो जाएगी तो कुछ मंथ या कुछ डेज के अंदर वापस आने की ट्राई चांसेस है, क्योंकि गरेना कुछ भी करके फिर से वापस अपनी गेम को लॉन्च करेगी कुछ यूनिक नेम से, जैसे पबजी मोबाइल था पहले, तभी उसका नाम बैटल ग्राउंड इंडिया हो गया, तो ऐसा कुछ वगैरह हो गया, नेम भी चेंज करके करेंगे तो वापस आएगी। और दूसरा मेन चीज़ क्या है कि उसने अभी अपनी जो फ्री फायर है ना, फ्री फायर उसका अभी 25% या 20% उसको दिया हो गया है चाइना वालों को। चाइना वालों को टेंशन है ना उसका, अपना जो अपने एंड्रॉइड में OBB में आता है ना वो डेटा, तो डेटा 25% या 20% चाइना वालों का है ना, उस वजह से वो बैन किया गया है। वरना अपने सर्वर इंडिया सर्वर की है, बट वो जो चाइना का थोड़ा सा शेयर आता है ना, इसलिए उसको फ्री फायर को अभी तक बैन कर दिया। और जो फ्री फायर मैक्स है उसमें कोई भी चाइना का माल नहीं है वहाँ पे, इसीलिए उसको अभी तक बैन नहीं किया, इसलिए प्ले स्टोर पर वो अभी तक टिका हुआ है फ्री फायर मैक्स। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो फ्री फायर चला जाएगा तो अपन फ्री फायर मैक्स भी थोड़े टाइम के लिए खेल लेंगे। और जहाँ तक मेरे को लगता है तब तक तो फ्री फायर वापस से अपना आ जाएगा, तब तक से और कुछ महीनों के अंदर या कुछ दिनों के अंदर ही वापस आ जाएगा मेरे अंदर से। और मेरे को उसके अकॉर्डिंग कुछ भी न्यूज़ मिलेगी ना तो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, चैनल में नहीं आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो आपका एक डाउट तो मैंने क्लियर कर दिया कि अभी फ्री फायर मैक्स आप खेल सकते हो आराम से। और अभी तक मैं बता दूँ आप सभी को कि अभी के टाइम पर फ्री प्ले स्टोर पर फ्री फायर नहीं दिख रही है, तो प्लीज़ फ्री फायर मैक्स ही खेलना, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, क्योंकि फ्री फायर खेलने पे बाद में कुछ इशू होगा तो आपकी आईडी भी बैन हो सकती है, इसलिए अभी प्ले स्टोर पर दिख नहीं रही ना, उस वजह से मैं बता रहा हूँ। तो अभी प्ले स्टोर पर फ्री फायर मैक्स है, तो फ्री फायर मैक्स आप खेलने के ट्राई करना, अभी फ्री फायर मत खेलना, क्योंकि फ्री फायर खेलोगे और कुछ आईडी पर लफड़ा हो जाएगा ना, तो बाद में बोलोगे कि मैंने हैक बैक कुछ यूज़ नहीं किया फिर भी मेरी आईडी बैन कैसे हुई, तो इसी के कारण मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये सभी बातें मेरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक मोटिवेशन के लिए लाइक दे देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मिलते चलो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पीस आउट।